हमीरपुर में गत दिवस हुई तेज बारिश के दौरान ग्राम पंचायत बल के गांव मोही में बुजुर्ग बिश्नी देवी पत्नी शंकर दास का 3 कमरों का स्लेट पोश मकान ढह गया। तेज बारिश के दौरान बुजुर्ग बिश्नी देवी घर के अंदर थी और मलबे में दब गई, जिसमें बिश्नी देवी को सिर और बाजू में गहरी चोटें आई हैं। जिसमें ये हादसा हुआ तो उस समय बिश्नी देवी घर पर अकेली थी और बाकी परिवार के सदस्य सत्संग सुनने के लिए गए हुए थे। गनीमत ये रही कि घर के गिरने की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने अंदर फंसी हुई बुजुर्ग बिश्नी देवी को बाहर निकाला और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया है, जहां पर बिश्नी देवी का उपचार चल रहा है। मकान ढहने से करीब 2.5 लाख रुपए का नुकसान आंका गया है और हल्का पटवारी ने भी मौके पर पहुंचकर नुकसान रिपोर्ट दर्ज की है। स्लेट पोस्ट मकान के ढहने से अब बिश्नी देवी पत्नी शंकर दास का सारा सामान दब गया है और पड़ोसियों के घर में आश्रय लेना पड़ा है। बीपीएल परिवार से संबंध रखने वाली बिश्नी देवी के परिवार में एक बेटा, बहू और 2 बच्चे हैं। बिश्नी देवी के बेटे रविंद्र कुमार ने बताया कि सुबह तेज बारिश लगी हुई थी और घर पर माता जी अकेली थी। उस समय ये हादसा हुआ और मलबे के अंदर दबी हुई माता को बाहर निकाला है। उन्होंने बताया कि माता की बाजू टूट गई है और सिर में गहरी चोटें लगी हैं। कम से कम देखो सारा सामान हमारा घर के अंदर ही था ना, ये कम से कम ज्यादा नहीं तो 2-2.5 लाख रुपया तो बिल पूरा जी 2-2.5 लाख रुपये का नुकसान हमारा हो गया सर। हाँ जी, क्या क्या सामान था अंदर आपका? सामान सर सारा था, देखो गैस सिलेंडर, फ्रिज, टीवी और घर का सारा बर्तन जो थे कीमती बर्तन, चुरुटी, ट्रंक, पेटियां वगैरह, कपड़े वगैरह सब कुछ अंदर ही है जी। सारा सामान जी बाहर था नहीं, कुछ भी सारा सामान अंदर ही था जी। सरकार जिला प्रशासन से क्या मांग रही है आपकी? हम सर ये है कि हम देखो बीपीएल आदमी है, गरीब आदमी है, ये हमारे पास जगह जमीन नहीं है, तो हम यही मांग रहे हैं कि हमें मकान के बीपीएल में है, चलो हम बीपीएल वालों को जो सरकार घर बनाने के लिए पैसा देती है वो हमें मिल जाए जी। बहू अनीता ने बताया कि बाकी लोग रिश्तेदारों के घर में गए हुए थे और जिस समय मकान ढह गया उस समय घर के अंदर सास बिश्नी देवी ही और बच्चे घर के बाहर थे। उन्होंने बताया कि मकान गिरने से सारा सामान भी दब गया है और अब पड़ोसियों के पास रह रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि सरकार घर बनाने के लिए पैसे दे। कुछ नहीं, हम चले गए रिश्तेदार, एक बाजार चले गए, कने हम भी बेटी थी मेरे घर में कपड़े कुपड़े धो रही थी, वो चलाई तो उसने देखा फिर दादी खाना का खाना को ऊपर तो खाना खाते समय फिर दब गए। कने मैं मेरी नानी बीमार थी, मैं तो उधर जा रही थी, फिर संडे है तो मैं उधर जाती हूँ, घर में कोई नहीं, सिर्फ बच्चे थे और पड़ोसियों ने निकाले। फिर कितनी उम्र है आपकी सास की? सास की उम्र है 70 साल। क्या मांग रहेगी सरकार से? सर पूरा नुकसान हुआ, मैं कोई रहने के लिए कोई साधन नहीं है, बाहर हम कल के पड़ोसी खाना खूना पड़ोसी दे रहे हैं, खाने का कोई सामान नहीं है, पूरा सामान इतना हुआ सारा खत्म हुआ जो हो गया, ये दुख है बहुत। मौके पर पहुंचे पंचायत उप प्रधान रामू ने बताया कि स्लेट पोश मकान ढह जाने से करीब 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान आंका गया है और माता को भी काफी चोटें आई हैं, जो कि अस्पताल में इलाज करवा रही हैं। उन्होंने कहा कि बीपीएल परिवार होने के नाते जल्द प्रशासन को परिवार की मदद करनी चाहिए। कल जो तेज बारिश हुई थी उस बारिश के बाद इस मकान जो है कच्चा मकान था है, ये गिर गया है, इसके अंदर लगभग 2.5 लाख से ऊपर लगभग इनका नुकसान हुआ है, जो भी इनका खाने का पीने का सोने का बर्तन वगैरह जो टीवी फ्रिज वगैरह जो भी अंदर थे सब जो है नुकसान हो चुका है, इनका टूट गए हैं। इस टाइम जो इस बीपीएल परिवार में इनकी जो माता है बिश्नी देवी बीपीएल परिवार से संबंधित है वो हॉस्पिटल में, उसको बहुत बुरी तरह चोटिल हुई है, उसकी बाजू वगैरह फ्रैक्चर हुई है, उसका इलाज चल रहा है और बीपीएल परिवार इनका रहने के लिए कोई भी मकान नहीं है अभी, तो मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि इन्हें जो भी बीपीएल संबंधित जो भी पैसे मिलने जल्दी इनको पैसे मिलें ताकि अपना मकान बना सकें।